वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में आज हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्या हैं। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एक जर्नल गाइडलाइन होती हैं जो एक डिसीजन मेकिंग में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, और एक मैनेजर का क्या बिहेव होना चाहिए एम्प्लॉयज के साथ उसके बारे में वो डिस्क्राइब करती हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं? ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर का बिहेव कैसा है एम्प्लॉयज के लिए, उनकी डिसीजन पावर क्या है, और एक जर्नल गाइडलाइंस होती हैं और काफ़ी विस्तृत होते हैं, जिससे किसी भी जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनको हम सही ढंग में मैनेज कर सकते हैं और बिजनेस को एक सक्सेसफुल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी फीचर्स में आता है यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी। अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब अप्लीकेबल एट ऑल प्लेसेस इन सेम वे, आइदर दे आर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, सभी जगह सेम रूप में अप्लीकेबल होते हैं, इसलिए हम उनको यूनिवर्सल अप्लीकेबिलिटी में बोलते हैं। जर्नल गाइडलाइंस, अब जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो जर्नल गाइडलाइंस हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरह रिजिड नहीं है, उनकी तरह स्ट्रिक्ट नहीं है, यानी जर्नल है। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस अगर हमने उनमें कुछ चेंज लाना है तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं। फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पे उनको कि मतलब ऑब्जर्वेशन के आधार पे उनको आगे कि मतलब वेरीफाई किया जाता है और वो स्ट्रिक होते हैं। इसी तरह जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी बार बार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पे, ऑब्जर्वेशन के आधार पे उनको अप्लीकेबल किया जाता है, और उनको भी प्रैक्टिस में और ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि मतलब किस प्रकार से हम उनको लागू करना चाहते हैं और किस प्रकार से वो अपने बिजनेस वे में सक्सेसफुल होंगे, उन सभी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के आधार पे फॉर्म किए जाते हैं, मेनली बिहेवियरल। अब देखिए, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो बिजनेस है, बिजनेस में ओनर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज इंक्लूड होते हैं। तो जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो एम्प्लॉयज के लिए बनाए गए हैं, और जो एम्प्लॉयज हैं वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग के साथ एक मैनेजर के द्वारा कैसा बिहेव किया जाना है, उस बिहेव को बताते हैं कि एक पोलाइट बिहेव में किस प्रकार से एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ कि मतलब पेश आए और किस प्रकार से उनसे काम करवाए, जिससे कि वो वर्क को एक सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ा सके। रिलेशनशिप बिटवीन काजेज एंड इफेक्ट। अब देखिए, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है काजेज और इफेक्ट में रिलेशन बताते हैं। जब हम कोई भी बिजनेस में सिचुएशन तैयार करते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशंस बनाते हैं, तो उसके काजेज क्या हुए और उनके बनाने से क्या इफेक्ट होगा, बिजनेस अपवर्ड होगा या बिजनेस डाउनवर्ड होगा, एम्प्लॉयज पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उस सिचुएशंस के बारे में, उस मैनर के बारे में ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमें उनमें रिलेशंस बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला आता है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। अब देखिए, जो मैनेजर हैं जिनको अपने एम्प्लॉई से, अपने फॉलोवर से वर्क करवाना है, बिजनेस को सक्सेसफुली आगे ले जाना है, उनको एक सही रास्ता बताते हैं। कैसे सही रास्ता बताते हैं? कि वो बताते हैं कि बिजनेस में कोई भी सिचुएशन जो है उसको कैसे लागू करना है। कोई भी नया डिसीजंस लिया गया है, कोई रूल्स बनाए गए हैं, कोई रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उनको कैसे लागू करना है, और पिछले मैनेजर की तरह अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो वो रिपीट ना हो, उनके बारे में पूरी सिचुएशंस जो है वो बताते हैं।
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिस एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो भी हमारे रिसोर्सिस हैं बिजनेस के, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जो भी रिसोर्सिस हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बिजनेस का मेन पॉइंट क्या है, मैक्सिमम अचीवमेंट एट मिनिमम एफर्ट्स। तो जो भी हमारे रिसोर्सिस हैं एक मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम प्रॉफिट को किस प्रकार से अचीव किया जा सकता है, मैक्सिमम जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको किस प्रकार से उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है, कस्टमर को किस प्रकार से सेटिस्फाई किया जा सकता है, और बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, और बिजनेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस प्रकार से अफेक्टिव बनाया जा सकता है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं डिस्क्राइब करते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस, अब देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस हैं वो साइंटिफिकली लिए जाते हैं, बैलेंस डिसीजन होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं वो बैलेंस डिसीजन होते हैं, प्रीवियस डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए आगे के डिसीजंस, आगे के रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब देखिए बिजनेस में जो भी चेंजेज आते हैं, क्यों, क्योंकि जो आज का जो हमारा बिजनेस है वो कंपिटिटिव बिजनेस है, चेंज बार बार आते हैं, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, और उनके थ्रू जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को किस प्रकार से इंक्रीज करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस प्रकार से बढ़ाना है, और उस प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर कस्टमर तक किस प्रकार से पहुँचाना है, ये सभी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या बताते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको टाइमली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो नई नई टेक्नोलॉजी हैं उनके बारे में, जो भी नई एजुकेशंस हैं उनके बारे में, और जो बिजनेस में नए नए रिसर्च किए गए हैं उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जिससे कि उनको आगे बढ़ाने में एम्प्लॉयज के साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।